सो यार ये रहा हमारा मी 11 लाइट एंड देख लो रिटेल बॉक्स है, खुद मंगवाया है, कोई स्पॉन्सर वॉन्सर नहीं, बाद में मत कहना। तो ये रहा हमारा खूनी चाकू, पहले तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। सो ये रहा हमारा मी 11 लाइट का बॉक्स एंड यहाँ पर अल्ट्रा स्लिम लाइट 90 हर्ट्ज का, इसमें अमोलेड डिस्प्ले है मी 11 लाइट, ये सील वील बनी हुई है 90 हर्ट्ज डिस्प्ले, क्वालकॉम 732G 33 वॉट का इसमें चार्जर है, 64 एमपी का कैमरा है, 6128GB वाला वेरिएंट है और मेड इन इंडिया के साथ है। यहाँ पर ये रहा इसका सील ब्रेकर, ओह माय गॉड, तो यार काफ़ी सही एक्सपीरियंस अनबॉक्सिंग का। यहाँ पर है हमारे पास सिम इजेक्टर पिन, कुछ जन्म पत्रियाँ हैं एंड इसका ये कुछ अलग है इस बार, ओह माय गॉड, इन्होंने ये अडेप्टर दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें 3.5 इंजेक्ट नहीं होने वाला गाइस, बट ये चीज़ ये है, ये खतरनाक है। यहाँ पर हमारा टीपीयू केस एंड सच कहूँ ठीक ठाक क्वालिटी का है, थोड़ी सी क्वालिटी पहले से गिरी है बट अदर जो ब्रांड्स होते हैं उनके मुकाबले ये थोड़ा सा अच्छा है। इसको हम बगल में रखते हैं, ये रहा हमारा मोबाइल, इसको हम थोड़ी देर में आते हैं। एंड ये यहाँ पर है हमारा टाइप सी केबल, आप देख सकते हैं ऑरेंज टच के साथ है ये, थोड़ा सा देखो हमने यहाँ पे भी ऑरेंज टच दिया हुआ है इसीलिए क्योंकि MI का है, ठीक है। एंड ये रहा हमारा 33 वॉट का चार्जर है यहाँ पर, यार ये काफ़ी बड़ी ब्रेक है वाइट कलर की, और यहाँ पर अगेन ऑरेंज टिंट, और यहाँ पर भी अगेन ऑरेंज टिंट। ASMR टाइम, तो यार इतना रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले। सो यार ये था हमारा मी 11 लाइट का अनबॉक्सिंग, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ऑर्गेनिक, मैं हूं आपका टेक होस्ट राहुल शर्मा। तो यार अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख लिया इस हल्के से मोबाइल मी 11 एक्सी का, आई गॉड लाइक पापड़ जैसा लगता है मुझे, इतना हल्का है लिटरली। जब ये आया था ना और मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, मेरे खोलते मुझे लगा कि यार मुझे लगता है किसी ने डमी तो नहीं भेज दी है, तो मैंने सबसे पहले बस इसको कैमरा के नीचे ऑन ही किया था और फिर मुझे पता चला कि नहीं यार ये इतना ही हल्का है लिटरली। एंड व्हेन आई रेड द वेट, लाइक 157 ग्राम वेट है यार इसका। तो यार ये जो मोबाइल है ना बेसिकली मेरे छोटे भाई का है, एंड लाइक जब से आया है तब से मैंने अभी तक उसको दिया नहीं है, तो पेशेंस है उसका यार लाइक कि अभी तक उसने मांगा भी नहीं है। तो मैंने उसको बोला था कि 7 दिन का हम रिव्यू करेंगे फिर जाके हम तुझे रिटर्न करेंगे, तो लिटरली ऐसा पेशेंस होना तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है यार। वेल हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ओवरव्यू की। वेल ओवरव्यू की मैं बताऊं तो इसका फ्रंट और बैक जो है गोरिल्ला ग्लास 5 है, एंड साइड में जो प्लास्टिक फ्रेम है जो कि ठीक है, बट इस वेट को अगर जस्टिफाई करना है तो मुझे ये सही लगा कि ठीक है वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेरा काफ़ी सही है, एकदम हल्का सा पतला सा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है। एंड वहीं मैं इसकी साइड्स की बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट साइड पर बात करूँ, लेफ्ट साइड पर ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन है, खाली है। एंड वहीं राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में वहीं आपको वॉल्यूम रॉकर एंड आपको पावर बटन विद फिंगरप्रिंट सेंसर वहाँ पर मिल जाता है जो कि कवर के साथ थोड़ा सा अच्छा लगता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड वहीं ऊपर की तरफ बात करें तो ऊपर आपको IR ब्लास्टर जो MI की निशानी आपको पता है, एंड आपको यहाँ पर सेकेंडरी मेट मिल जाता है। और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत ही अलग सा एक हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है जो कि बाकियों से डिफरेंट है अभी तक जितने भी हाइब्रिड स्लॉट हैं, तो मुझे अच्छा लगा वो चीज़। एंड यहाँ पर बगल में छोटा सा माइक है जो मेन माइक है हमारा, और इसमें टाइप सी जो है हमारा पोर्ट है। एंड यहाँ पर हमें एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है, यहाँ पर हमारे पास 3.5 जैक नहीं है बट उसकी जगह पर यहाँ पर हमें ये दे दिया गया है, तो चिंता ना को। एंड वहीं अब सामने की बात करें तो फ्रंट में यहाँ पर 6.55 इंच की AMOLED डिस्प्ले जिसमें आपको छोटा सा 5/16 मेगापिक्सल कैमरा है, और पीछे की बात करें तो आपको 64+8+5 जिसमें 8 मेगापिक्सल वाइड और 5 मेगापिक्सल और छोटा मैक्रो क्वालिटी वाला कैमरा है, और चौथा जो डॉट है उसमें वो है इसमें फ्लैश, ठीक है। एंड पीछे का जो बॉडी है ना ग्लास में, यहाँ पर MI वगैरह कहीं नहीं लिखा, यहाँ पर Xiaomi लिखा हुआ है, तो अच्छा भी लग रहा है, और वो मुझे पता नहीं क्या, इवन तो लाइक पीछे का सरफेस इतना शाइनी है कि मुझे मेरा पूरा चेहरा दिख रहा है, अगर आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं बट मुझे लिटरली मेरा पूरा चेहरा दिख रहा था इसमें। इस मोबाइल का एक पार्ट जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो इसके बेजल्स, आप एक बार इसके बेजल्स देखो तो सही यार, क्या थिन पतले से बेजल्स हैं इसके, लाइक साइड के तो पतले हैं ही यार नीचे के, लाइक मैं एज ए वन प्लस यूजर मैं शर्मा गया हूँ, लाइक अदर फोन से अगर मैं कंपेयर करूँगा मेरे वन प्लस 60 मेरे वन प्लस 8 प्रो से, तो उससे भी पतला थिन बेजल है यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर देख रहे हो आप, तो लाइक बेजल्स ने इम्प्रेस कर दिया Xiaomi ने यहाँ पर। ऐसी सी चीज़ें देखकर लगता है कि नहीं यार लिटरली क्या कमाल फ़ोन है ये, तो हैट्स ऑफ टू Xiaomi फॉर दिस थिंग। वेल इस मोबाइल को जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव बनाता है वो है इसका वेट और इसकी जो थिकनेस, सिर्फ 6.8 mm इसकी थिकनेस है और ये 157 ग्राम है जो कि मेरे वेट स्केल पे कभी 158 दिखाता है कभी कुछ, बट वो 157 ग्राम यहाँ लिखा हुआ है। एंड कवर के साथ ये अप्रॉक्सीमेट 175 ग्राम का है,
तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। मैं जब पॉकेट में भी डालता हूँ उन्हें, मैं भूल जाता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है, ऐसा लगता है कहीं छोड़ तो नहीं आया मैं, क्योंकि मैं वन प्लस यूज़र हूँ, वन प्लस के मोबाइल होते हैं 200 ग्राम तक के। तो यस, थोड़ा सा अगर आप हैवी मोबाइल यूज़र हो तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा कि यार कहाँ है मेरा फ़ोन आखिरकार। सब हम बात कर लेते हैं इसके बेसिक फीचर्स के बारे में। स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर है, 4G है यार ये, 5G नहीं अभी बता देता हूँ। 64MP का इसका जो मेन इंप्रेशन है, जो कैमरा है मतलब, और 6+128GB का मेरा वेरिएंट है। 33W का ये चार्जर सपोर्ट करता है। तो ये बेसिक और मेन फीचर्स है जो इस मोबाइल को थोड़ा सा इंप्रेस करते हैं। वेल नाउ कमिंग टू द फ्रंट डिस्प्ले। वेल डिस्प्ले यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.55 इंच का 10 बिट्स कलर के साथ है एंड 90Hz डिस्प्ले। भाई साहब 22,000 रुपये में 90Hz डिस्प्ले विद सुपर एमोलेड और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी वाला, तो मुझे काफ़ी सही लगा। हाँ, अगर आप वन प्लस यूज़र्स हो या लाइक सैमसंग यूज़र्स हो तो आपको कहीं ना कहीं सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है इसका थोड़ा सा क्वालिटी कम लगेगा उससे। ऑब्वियसली यार थोड़ा बहुत फ़र्क हमें भी दिख रहा था, मुझे दिख रहा था, क्योंकि जो इसमें ब्लैक है वो पूरा ब्लैक नहीं है एज़ पर एमोलेड स्क्रीन, आपको पता ही है। और कहीं ना कहीं जो अदर कलर्स वगैरह होते थोड़े से फीके हैं, ये आपको तभी पता चलेगा अगर आप दोनों फ़ोन साइड बाय साइड रखो, अदरवाइज मुझे तो पता भी नहीं चल रहा था। मैं तो फ़ोन यूज़ करते करते ऐसे ही मैंने कहा चलो देख लेते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत लिटिल बिट फेडेड लगा, बट आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी बेराई से जब तक आप दोनों को ऐसे बगल में ना रखो। बाकी जैसे पिक्चर क्वालिटी एंड ऑल काफ़ी सही लगी, लाइक मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया, व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया, साइड वाइड से आप देखो आराम से दिखता है सभी एंगल से, ऐसे कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है यहाँ पर। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी आवाज़ की। वेल बहरे थोड़े हैं, आवाज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पर। यहाँ पर अपने को ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर दे रखे हैं ऊपर और नीचे। स्टीरियो स्पीकर का मतलब है जस्ट लाइक जैसे कार्स वार्स आ रही है, हम कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं तो कार्स लाइक इधर से आ रही तो इधर से साउंड आएगा, इधर से आ रही तो इधर से साउंड आएगा, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर मिलता है। बाकी हाँ, स्टीरियो स्पीकर हैं तो आपको पता है ड्यूअल स्पीकर है, हाई रेजोल्यूशन ऑडियो स्पीकर हैं यहाँ पर, मज़ेदार स्पीकर हैं। बाकी एक बार आप ऑडियो क्वालिटी सुन लो किस तरह की है। हाँ, ऑडियो क्वालिटी आपने सुन ली, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि लाउडनेस में थोड़ी कमी है यहाँ पर, बट स्टिल काफ़ी मैनेजेबल है। अब इंटरटेनमेंट के लिए आपके खुद के लिए है एज़ कम्पेयर टू अदर मोबाइल्स। एक तो क्या है, मैं यूज़ करता हूँ फ्लैगशिप टाइप मोबाइल्स वगैरह, LG G8X 8 Pro 9 Pro, तो इनमें क्या दिक्कत रहता है कि इनकी लाउडनेस तो ऑब्वियसली ज़्यादा है ही है, ये कहाँ 20,000 रुपये का। तो मेरा माइंड में कभी कभी सबकॉन्शियस में वहाँ रह जाता है कि थोड़ा लाउडनेस कम है। बाकी हाँ, इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी इफेक्टिव है, सच कह रहा हूँ। तो यार अब हम बात कर लेते हैं इसके माइक क्वालिटी की। ऑब्वियसली फोन को तो फोन की तरह यूज़ करना है कि आप लोगों ने या नहीं, ठीक है, तो माइक क्वालिटी सामने वाले को आवाज़ किस तरह से जाएगी। वेल अभी जो भी आपको आवाज़ आएगी ना, वो तो सामने वाले के फोन पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसको किस तरह की आवाज़ डिलीवर हो रही है उस तरह का है। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि अपनी जो सिग्नल क्वालिटी है पूरा एकदम मस्त सिग्नल है अपने यहाँ, तो ऐसे कोई वर्ल्ड करने की जरूरत नहीं है, एकदम आपको प्योर क्वालिटी माइक वॉइस है यहाँ पर, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि सामने वाले को किस तरह की रिसीव होगी, है ना। माइक क्वालिटी सामने वाले के लिए होता है, वैसे कॉलिंग के लिए, अपने लिए नहीं होती, दूसरे की सहूलियत के लिए होता है। बट कुछ बातें ऐसी भी होती हैं हमें बतानी होती है ना, सिर्फ कभी कभी भाई पैसे दे रहा है या नहीं, सामने वाले को सुनना जरूरी है, तो कभी कभी खुद की भी सहूलियत हो जाती है। कुछ भी बकवास कर रहा हूँ पता है, बट हाँ आपको माइक का अंदाजा हो गया ना कि किस तरह की माइक क्वालिटी है और क्या चाहिए। बाकी मुझे तो पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लाइक मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैं 20 सेकंड में खड़ा हूँ, हॉर्न बज रही है, गाड़ियों की आवाजें आ रही है, और सामने वाला क्या कह रहा है, अभी क्यों अपने कमरे में बैठा बाहर आ भी जाब। मैं कहता हूँ भाई मैं लिटरली ट्रैफिक में हूँ, साइड में खड़े होकर कैसे बात कर रहा हूँ, इतना बोलना पड़ता है मुझे। तो इसका जो सेकेंडरी माइक क्वालिटी जो कैंसिलेशन है, ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। यही थी हमारी माइक क्वालिटी। वेल अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी बैटरी की। बैटरी यहाँ पर 4250 mAh मतलब 4250 mAh की यहाँ पर अपने पास बैटरी दी गई है, जो कि एफिशिएंट है। 4000 mAh से ऊपर है तो मतलब अपने लिए बहुत है, बट यहाँ पर अपने को 33W का चार्जर भी दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सही है, चार्जिंग वार्जिंग कर देता है फटाफट से अपने, मतलब मेरे को 1 घंटा 5 मिनट के अंदर मेरा इसने पूरा फोन चार्ज कर दिया। मैं अप्रॉक्सीमेट 5-7% जब बैटरी आ जाती है तभी चार्ज करता हूँ, जस्ट फॉर द टेस्ट रीजन, बिकॉज यार मैं चाहता हूँ ना मेरी कॉल्स वॉल्स भी, ऐसा तो नहीं मैं फ़ोन बंद ही कर दूँ, तो ऐसा नहीं मैं कर पाया, 4-5% बैटरी पर मुझे ये लगाना पड़ा। वेल अब हम बात कर लेते हैं कितना इसका मेरे को बैटरी बैकअप मिला। लाइक मैं सुबह 6-7 बजे मेरे को अप्रॉक्सीमेट 100% चार्ज मिल जाता है, वहाँ से लेकर शाम के 7 या 8 बजे तक मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 10 या 15 या 20% इसके बीच में बैटरी बचती है, टोटली डिपेंड ऑन माई यूसेज।
वेल मैं क्या यूज़ करता हूँ पूरा दिन में, लाइक मैंने मूवीज रखी हुई हैं, गेम्स मैं खेलता हूँ इसमें, मैंने हॉटस्पॉट वगैरह भी मैं यूज़ करता हूँ इसमें, छोटा लैपटॉप इंटरनेट वगैरह चला सकूँ। इन सब टारगेट्स मतलब ये सब के सब में क्रियाएँ कहते हैं लेकिन ना ये वाली क्रियाएँ या फिर कर्म वर्म कर वर के ये सब मेरे पास बैटरी जो रहती है 20% तक मैक्सिमम रह ही जाती है मेरे पास। तो यही है बैटरी बैकअप यहाँ पर इसका, तो मैं कहता हूँ कमाल है यार बैटरी बैकअप यहाँ पर, तो चले जाओ आराम से इस फोन के ऊपर। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा फास्ट है, फेस अनलॉक या फिंगरप्रिंट अनलॉक। ठीक है तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 3 ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो आपको आइडिया हो गया, लाइक 10 के 10 बार मैंने ये ट्राई किया तो एवरी टाइम इसका जो फिंगरप्रिंट अनलॉक है ऑब्वियसली फिजिकल है तो प्रॉपरली वर्क करता है, मुझे ऐसे कोई भी शिकायत नहीं। और फास्ट फास्ट तो आपने देख ही लिया कितना है, पसंद तो आया होगा। वेल नाउ कमिंग टू द फेस अनलॉक। वेल फेस अनलॉक में मुझे एक चीज़ काफ़ी यूनिक लगी, यहाँ पर आप 2 फेस जो है इंक्लूड कर सकते हो, लाइक एक टाइम पे आप 2 फेस ऐड कर सकते हो स्टोरेज में, जैसे फिंगरप्रिंट आप 10 ऐड कर सकते हो वैसे फेस 2 ऐड कर सकते हो। वेल अभी तक ये मैंने किसी फोन पे नहीं देखा है। वेल एक राज की बात बताऊँ, जिनके भी बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड्स इधर आओ बात सुनो, आप उनके फोन पे अपना फेस ऐड कर सकते हो जिनके पास भी मेल 11 लाइट है, वापस जाओ, टॉप सीक्रेट है। वेल अब मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी इसकी जो फेस अनलॉक की स्पीड है वो फास्ट है, मैं खुद बता देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। वेल आप देख सकते हैं 1 सेकंड का थोड़ा बहुत डिले है, तो ये है इसका फेस अनलॉक 1 2 3। 1 सेकंड का डिले रहता है यहाँ पर फेस अनलॉक होने में, बट एवरी टाइम ये फेस अनलॉक जो वर्क करता है, थोड़ा बहुत ऐसे मुंडी हिला देता है, ना 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 पहला चाहना नहीं मैंने, बट बाद में खोल ही देता, तो 10 में से 8 या 9 बार ये वर्क करता है, 1 या 2 बार थोड़ा सा डिले कर देता है, 1 सेकंड का डिले यहाँ पर है, आपको लॉक स्क्रीन देखने को मिलती है, बट हाँ कभी ऐसे लाइट वाइट चीज़ नहीं या कभी बाहर तब फटाफट खोल देता है, तब आपके पास ऊपर एकदम प्रॉपर लाइट पड़ जाती है ना, नेचुरल लाइट, तो उस टाइम पर फटाफट एक खोल देता है। तो सिक्योरिटी में यहाँ पर आपको मैं पूरे नंबर देता हूँ, ऐसा कोई भी मुझे डिले वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है एफिशिएंट वर्क करता है यहाँ पर हमारा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैमरा की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कैमरा कौन कौन से यहाँ पर, 64 मेगापिक्सल का सबसे बड़ा कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। ना जाने कौन सी दुनिया में ये 5 मेगापिक्सल वाले लोग काम करते हैं, मैं तो लाइक एक नॉर्मल बंदा कहाँ चींटियों के फोटो खींचता रहेगा ये बताओ, तो ठीक है दे दिया तो दे दिया। बाकी यहाँ फ्रंट का 16 मेगापिक्सल कैमरा है। तो हम बात कर लेते हैं किस तरह के इसके सैंपल है, तो आप देखिए पूरी डिटेलिंग साथ आपको मिलेगा। वेल अब हम बात करने वाले हैं हमारे इसकी कैमरा डिटेलिंग की। अब हम देखेंगे जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, हाँ हाँ वही ऑल्सो नोन है 64 मेगापिक्सल, उसके शॉट्स की बात कर लेते हैं पहले। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं इनसाइड पे, इनडोर पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने वैसे ही मैसअप पड़ा हुआ है मेरा पूरा टेबल, आप देख सकते हैं बींग ए यूट्यूबर इज़ नॉट ए ईजी जॉब, ठीक है। तो ये सारे कलर्स वगैरह यहाँ पड़े हुए हैं एंड नेचुरल कलर्स यहाँ पर आए हैं, थोड़े बहुत फेडेड हैं, जैसे ऑरेंज वाला है ये थोड़ा सा फेडेड लगा मुझे, बट स्टिल इट्स अ गुड इनफ, ठीक है। एंड ये कलर शॉट लिया है मैंने, इसमें थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत फोकस की कमी है, टैप वैप किया था मैंने बट फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आया। ये मैंने मी 11 का बॉक्स अगर आप देख सकते हैं आईफोन। वेल ये एक मैंने डिफरेंट कंडीशन में शॉट लिया, अगर आप ये देखेंगे, एक ये शॉट अगर आप देखेंगे, वेल ये एक डिफरेंट कंडीशन में पिक लिया था, जिसमें अगर मैं नॉर्मल कंडीशन में देखा एक नॉर्मल कैमरा 1:2 जूम जो है तो इस पर कुछ ऐसे है, और जैसे ही मैं इसको इनटू पॉइंट मतलब वाइड एंगल पर शिफ्ट करता हूं, तो आपको कुछ ऐसा शॉट मिलेगा। आप देखोगे आपको कलर डिफरेंस देखने को मिलेंगे, यहाँ पर लाइट ब्लैक जो थोड़ा सा हल्का सा ग्रेश कर दिया थोड़ा सा, एंड यहीं डार्क जो चेंज कर दिया, तो लेंस चेंज होने की वजह से ये सब चीज़ों का फ़र्क देखना लाजमी है। एंड यहीं इसको मैं जब जूम आउट करता हूँ, लाइक जो उसमें 1:6 जूम है ना, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर मैं बात करूँ अदर कैमरास की, तो अदर कैमरास में क्या होता है कि जैसे ही वाइड एंगल पे जाते हैं तो कलर थोड़े डल हो जाते हैं, बट यहाँ पर उल्टा है, वाइड एंगल पे जाते ही कलर थोड़े और पंची और अच्छे से हो गए। वेल यहाँ पर ये कुछ नेचर शॉट्स भी लिए थे मैंने, तो आप देखेंगे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। और ये पीछे देखो बादल वादल पूरे अच्छे तरह से एकदम मतलब बढ़िया तरीके से हैं। वही अब हम बात कर लेते हैं इसके पोर्ट्रेट मोड की। तो पोर्ट्रेट मोड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे ये मेरा फ्रेंड है, मैंने इसका फोटो लिया था, तो इसमें जो एज डिटेक्शन है वो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे। इवन तो लगी ये पीछे जो टी शर्ट है ना, जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हुआ, थोड़ा उसने बैक साइड पर उसको डिटेक्ट कर लिया इस रीज़न से। एक अगर आप ये वाला पोर्ट्रेट मोड देखें तो यहाँ पर भी मेरा सेम हेयर कट हुआ है। सो एक ये भी है पोर्ट्रेट मोड, अगर आप देखेंगे तो काफ़ी पंची कलर आए हैं, लाइक मैं इंप्रेस हुआ था इस कैमरे से कुछ लाइटिंग कंडीशन पर। एक और शॉट है, ये भी पोर्ट्रेट मोड पे ही है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े बहुत हेयर्स कट हो रहे हैं, तो मतलब जो इनके स्पाइकी या मैसी से हेयर रहते हैं उनके लिए कैमरा थोड़ा सा ऐसा होने वाला है। वेल नाउ कमिंग टू द फ्रंट कैमरा, ये मैंने कुछ इंडोर लाइटिंग वे शॉट्स लिए हैं, तो अगर आप देखेंगे
तो थोड़ा फनी से फेस बनाए थे, बट स्टिल मुझे इंडोर लाइटिंग पे काफी सही लगा, एकदम से कलर एक्यूरेसी वगैरह एकदम परफेक्ट है। तो 16 मेगापिक्सल कैमरा भी खतरनाक है। एंड वही मैं इसकी पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ शॉट पोर्ट्रेट मोड पे लिए, ये आउटडोर लाइटिंग पे, तो ये सेल्फी कैमरा से मुझे इंप्रेसिव लगे। इवन तो लाइक एज डिटेक्शन फ्रंट कैमरा में रियर कैमरा से ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। तो अब हम बात करें मैक्रो मोड कैमरा की। जैसा कि मैंने शर्ट पहना हुआ था तो उसी शर्ट का मैंने ये फोटो लिया था फाइबर्स का, तो आप देख सकते हैं क्या खतरनाक है। बट वहीं जब मैं फ्लावर्स वगैरह का ले रहा था तो काफ़ी शेकी सा रह रहा था, ले ही नहीं पाया मैं, आप देखो कितना शेकी सा है, लाइक हवा वगैरह भी बहुत चल रही थी। एंड ये एक छोटे से घास थे तो इसमें मेरे फिंगरप्रिंट्स घास के तिनके वगैरह, ठीक है नॉट डैट मच मैक्रो जो एक मैक्रो का मतलब होता है, बट ठीक है एक बेसिक सा फॉर्मेलिटी के लिए लेंस है। हाँ तीसरा लेंस दिखाना आप लोगों को या नहीं। और ये एक नॉर्मल ऐसे ही पड़ा था पत्थर ही, तो पत्थर के ही हमने मैक्रो ले लिया, बट वो इम्प्रेसिव बात नहीं निकली जो मैक्रो मोड जिसके लिए डिफाइन करते हैं डिटेलिंग, वो चीज़ नहीं मिली मुझे। तो मैं ये कहूँगा कि मैक्रो मोड इज़ जस्ट फॉर ए फॉर्मेलिटी। अगेन छोटे छोटे बीज आप देख सकते हैं, डिटेलिंग का नामो निशान नहीं है। मैंने बहुत स्टडी करके बहुत फोकस करके लिया फोटो बट नहीं आया। सो मैक्रो मोड इज़ डेफिनेटली फॉर्मेलिटी कैमरा। सो आगे हम कुछ वीडियो सैंपल्स प्ले करते हैं आउटडोर के लिए। तो यार ये फ्रंट कैमरा का सैंपल है एंड आई नो काफ़ी लोग वगैरह घूम रहे हैं, तो इग्नोर करो उनको, मेरे पे फोकस करो, यहाँ इस चेहरे पे फोकस। तो आपको एंगल्स काफ़ी सही दिख रहा होगा, और मैं सच कहूँ तो आउटडोर लाइटिंग में जो वीडियो का जो सैंपल है ना काफ़ी सही लगा, और माइक की आवाज़ तो आपको पता चल जाएगी, बिल्कुल रो फुटेज में डालूँ, कोई एडिट वेडिट नहीं करना इस फुटेज में मैंने। तो ब्लॉगिंग के लिए मुझे काफ़ी सही लगा यार ये कैमरा, फ्रंट का 16 मेगापिक्सल का कैमरे का ये वीडियो शॉट है। तो अब बात कर लेते हैं रियर कैमरा की। फिर ये हमारा रियर कैमरा का 64 मेगापिक्सल से, जो कि पता ही आपको 16 मेगापिक्सल का मेन प्राइम नहीं रहता है, तो यहाँ पर जो है इंटू 6 इंटू जूम भी रहता है, तो अभी हम जाएंगे 0.6 इंटू जूम पे, तो 0.6 नहीं है अपना 6 इंटू जूम है। तो आप देखेंगे मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही जूम आउट कर दिया है, ठीक है वापस आ जाइए हमारे 1 इंटू जूम पे नॉर्मल मोड पे, ठीक है। तो वापस हम 1 इंटू नॉर्मल मोड पे आ गए, तो इसमें है वाइड एंगल कैमरा पे, तो अब हम जाएंगे अपने वाइड एंगल कैमरा पे। अब हम आ गए हमारे वाइड एंगल मोड पे, आपने देख लिया हमारी पत्ती पत्ती सांगे वांगे सब कुछ यहाँ पर दिख रही होगी, ज़्यादा माइंड नहीं करना। और बाकी हमारी टेस्ट क्वालिटी भी आपको पता चल गई, हवा हवा बहुत चल रही है यहाँ पर, आसमान में बारिश के पूरे आसार हैं, बट स्टिल आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, क्या करें डिस्प्ले के आना पड़ता है। तो कैमरा डिटेलिंग आपने सुन ली है, होप आपको पसंद आई होगी, ठीक है। बाकी ऑल ओवर द फोन को अगर मुझे रिव्यू या रेटिंग देनी हो तो मैं 5 में से 4.5 रेटिंग देता हूँ। लाइक ऐसे 0.5 जो नंबर है वो मुझे सिर्फ इसलिए कटता है कि मेरी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है फ्लैगशिप फ़ोन उस कंपैरिजन में, बट स्टिल जब मैं इस प्राइस में देखता हूँ तो इस प्राइस रेंज में खतरनाक फ़ोन है, ज़बरदस्त फ़ोन है, ब्लाइंडली टू बाय फ़ोन है। लाइक मैं नहीं कहूँगा कि यार आप रुको क्यों ले रहे हो, तो मैं इसको कहूँगा क्यों नहीं ले रहे हो, लो जाके। तो यार गाइस यही था मेरा वीडियो छोटे से अमेजिंग से मी 11 लाइट के लिए, होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रह जाते हैं, ऑब्वियसली इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे शायद सब कुछ ना बताया गया हो, ये शायद आपके कुछ क्वेश्चंस ज़्यादा ही हो, तो आप कमेंट्स में पूछो, आराम से पूछ सकते हो। बाकी हाँ मैंने नया एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाया, नीचे जाओ यार ज्वाइन करो यार, तो 4 मेंबर हैं, मेरे को शर्म आ रही है, ज्वाइन करो वहाँ पर, मेरे को बताओ कि क्या क्या कमियाँ रह जाती है मेरी वीडियोज में, ठीक है ना। या फिर आप अपनी चीज़ों के बारे में पूछ सकते हो, अपने सवाल वगैरह सब कुछ हम वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई आया हो तो सही बात तो करो, ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या आपको जानने का मौका मिलेगा मुझे। सो गाइस यही था मेरा वीडियो, बाकी सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता, शेयर जरूर करना जिसको भी ऐसा इतना बजट है फोन लेने का, बाकी यहाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने ऑलरेडी किया है, दिल से धन्यवाद। बाकी अगर आपको खूनी लाल दिख रहा है वहाँ पर, उसको यार लाल वाल हटा के ग्रे व्रे कर दो ना, कर डालो, क्या फ़ायदा भाई मुझे आगे खून बहाना पड़ेगा हमारे खूनी चाकू के साथ, तो करो यार उसको ग्रे करो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, हैव अ ग्रेट डे गाइस। Thank you.